आज हम पूरा का पूरा जर्नी शेयर करेंगे। जर्नी क्या शेयर करेंगे, अभी जो पिछवा रखा है ना सब एक को निकाल के थोड़ा हमको बड़ा मजा आता है पुराना पुराना कॉपी देखने में कि कहाँ से मैंने क्या किया पढ़ा हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मतलब क्या ही बोले, कुछ लोगों को लगता है कि ये कैसा हो सकता है यार। जो लोग पेड कोर्स वाले हो तो हमसे कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, मेरा भाई लोग यूट्यूब से जो पढ़ रहा है ठीक है, आज जो बेचारा सोर्सेज ढूंढ ढूंढ के पढ़ रहा है वो हमसे अच्छा रिलेट कर पाएगा, समझ रहे हो ना। आज पूरा का पूरा वीडियो यार छोड़ो ना यार, कोई फर्क नहीं, विनोद एडिट मत कीजिएगा वीडियो कहीं भी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जीके में मैंने ये पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़ा, इससे पूरा मैंने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, लास्ट का स्टैटिक जीके पढ़े हुए हैं, समझ रहे हो ना। लास्ट का स्टैटिक जीके देख रहे हो, कुछ कुछ हाईलाइट किए हैं। लिख करके हमको नहीं लगता है लिखने से टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है जितना देर में लिखोगे उतना देर में बार बार रिवाइज कर लो पढ़ लो ठीक है। वो कैब के लिए हम एक बार शुरू में उठाए थे किरण पब्लिकेशन, आज कहे बोलते हैं 1997 से अब तक इसमें लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, क्या होता है प्रीवियस ईयर, पूरा का पूरा वोकैब रिपीट होता है। किरण पब्लिकेशन से मैंने पूरा का पूरा वोकैब सीखा हुआ है ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस कहां से करा हुआ है, देखो जो निखिल सर का बुक है ना, लिखे हैं हम वर्ड लिख लिख के हम एक को याद किए हैं, हमको कंसिस्टेंसी के बारे में पता है कि एक दिन में अगर 20 को लिख रहे थे तो एक महीना में 600 हो जा रहा था ठीक है। बाद में बहुत आगे चल के जब पूरा बुक उसमें का हम वोकैब रिवाइज कर लिए डेली करके, फिर ब्लैक बुक लिए हम, ये क्या होता है ना कि यार पूरा तो प्रीवियस ईयर है, अपना आराम से रिवाइज करते जाओ ठीक है। और एक ये चीज हो गया, वो कैप सेक्शन हो गया ना दोस्त, कवर हो गया ना, इंग्लिश का शुरू में बता दे रहे हैं हाई बुक, ये टॉपर की चॉइस है ये सब किताब यार, ये सब किताब अगर एक बार लिखा गया है ना तो एवरग्रीन ये सब कंटेंट है ठीक है। पूरा का पूरा ये किताब पढ़े, आज भी हमको जिसका भी एग्जाम में कोई भी चैप्टर में दिक्कत है ना तो ये बहुत शॉर्ट एंड सटीक मैम लिखी है, जा करके पेंसिल से अपना टिक लगा के पढ़ लो, एक बार में टाइम लगेगा, दोबारा तीबारा पढ़ोगे बार बार रिवाइज करोगे तो यार समझ रहे हो ना, क्या समझदार लोग हो आप लोग यार। चलो और क्या निकाले हम बाकी, तो राकेश यादव पूरा का पूरा अरिथमेटिक बोला जाता है मैथ, इनके बुक से हमने करा हुआ है। और सबसे पहले बात की हमारा जो थोड़ा बहुत अगर एक होता है ना कि जो सपोर्ट रहा है वो दोस्तों का सपोर्ट रहा है, दोस्त को भी हम कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ के टीचर मनोज सर और विश्वजीत सर, मनोज सर ने मुझे शुरू से इंग्लिश पढ़ाया है जिसकी वजह से आज किताब की मदद से आराम से हम इंग्लिश कवर कर लेते हैं ठीक है। विश्वजीत सर के यहाँ से हमको पता चला था कि कॉम्पिटिशन क्या होता है, यहाँ पे डुमराव कॉम्पिटेटिव क्लासेस समझ रहे हो, वहाँ पे पढ़े थे। और उसके बाद जब भी ऑनलाइन यूट्यूब पे आए, वहां से थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, YouTube पे जब आए ना तब पता चला कि यहाँ पे थोड़ा और वास्ट चीजें मिलने लग गई। राकेश यादव के क्लास नोट्स से सर के पूरा अर्थमेटिक पढ़े हैं ठीक है, एडवांस पोर्शन इनका नहीं पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़े हैं, एकदम नहीं पढ़े ठीक है, अर्थमेटिक पूरा का पूरा कवर किए हैं ठीक है। अरिथमेटिक में राकेश यादव सर के कुछ चैप्टर में जैसे सपोज करो कि समय और दूरी में हमको दिक्कत आ रहा था कि ऐसे लोग मिलते हैं फिर मिलने के बाद ऐसे ऐसे जाते हैं, राधा कॉन्सेप्ट अभिनय सर से पढ़े हैं समझ रहे हो, और ये बस 10-10 मिनट के अंतराल पे चलती है, हमको समझ में नहीं था गोली चलता है तो 30 सेकंड के अंतराल पे गोली चला, 2 मिनट बाद सामने वाले पर्सन मिला, भूतेश सर हमको यहाँ पे समझाए हैं समझ गए। तो अरिथमेटिक में इन लोगों का योगदान रहा है ठीक है। विनोद तुम खाली रुक जाओ ना, कोई भी अगर चैप्टर में हमको दिक्कत होता था ना, लाइक सपोज करो कि प्रॉफिट और लॉस से एग्जाम में 3 दिन में दिक्कत हो रहा है, हमको निकालते थे किसी का भी पीडीएफ, जैसे देखो गगन सर का हमने पीडीएफ निकाला ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस का प्रीवियस ईयर पीडीएफ, इसको टफ मत बोलना ठीक है भैया, हम लोगों से टफ क्वेश्चन नहीं होता है समझ रहे हो विनोद। और क्या बोले हम भाई, सब कॉपी कैसा है निकालो, ये देखो क्या है ये कॉपी, ये भूतेश सर से कोई भी चीज अगर दिक्कत होता था हमको ज्योमेट्री में कोई कोई टॉपिक, जैसे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो भूतेश सर के पास थोड़ा थोड़ा हम पढ़े हैं करके बोल रहे हैं, बेसिक भूतेश सर से बहुत कुछ छोटा छोटा चीज हम सीखे हैं। ये देखो ये क्या है, ये तो किसी चीज का कॉपी नहीं लग रहा यार, ये वो कैब का कॉपी है ठीक है, ये खाली है, ये पूरा का पूरा कॉपी खाली है, थोड़ा बहुत इसमें कुछ कंटेंट लिखे हैं। ये देखो वो कैब, हम बोले ना कि लिख लिख के याद करते थे, हाईलाइट करके याद करते थे, ध्यान से देख लो ठीक है, ये सब वो कैब का कॉपी है। ये क्या है, हाँ इसमें मुगल, देखो मुगल अंपायर में हमको दिक्कत हो रहा था, समझे में नहीं आ रहा था, यूट्यूब पे लिखे कि मुगल अंपायर ठीक है, तो वरुण अवस्थी सर एक ही वीडियो उनका देखे हैं अकेडमी पे, शायद वो पढ़ाते हैं हाँ, और वरुण अवस्थी सर का देखो पूरा का पूरा मुगल अंपायर, जाकर के वीडियो से ये मैच करा लेना, नोट्स बनाए हैं कैसे तो था यार, पानी पिया खाना खाया घर गया मर गया ठीक है, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, पानीपत खानवा चंदेरी घाघरा, ये सब यूट्यूब पे पढ़े हैं हम, जैसे कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है यार, काज ने कितना लाख तो लोग देखे थे समझ के, कंटेंट अच्छा है। ये है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हमने अभिनय सर से पढ़ा हुआ है, जैसे सब नंबर सिस्टम बहुत वास्ट टॉपिक है यार, नंबर सिस्टम में लाला चाह रहा था कि ये भी पढ़ लो, कुसेंट मेथड अभिनय सर का यार समझ रहे हो,
कुसेंट मेथड बोला जाता है कि टूसेंट मेथड बोला जाता है। टूसेंट मेथड पढ़ा है अभिनय सर से, और कुछ चैप्टर राकेश यादव सर का जैसे होता है ना कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है कुछ चैप्टर जो लगता है कि वास्ट है। ठीक है, इधर इतना ही मोटा मोटा कॉपी है यार, का है सब पीएचडी की है क्या, इतना हम पढ़ लिए जी, बाप रे बाप। ये देखो, कोई भी अगर वो क्या पढ़ते थे, मॉक वॉक देते थे और कुछ भी अगर वर्ड गलत होता था तो उसको इस कॉपी में लिख लेते थे, समझ रहे हो ना। जैसे कि ये सब कुछ लिखा हुआ है किसी ने, जैसे कि सुपर मॉक हम देते थे, वो लाइव मॉक देते थे, ओली बोर्ड, ठीक है, और टेस्ट बुक, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मॉक नहीं दिए हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लिए थे हम लाइव, ओली बोर्ड का तो बहुत बाद में लिए, ओली बोर्ड का कभी नहीं मान के चलो के लिए, टेस्ट बुक का लिए हैं, सुपर मॉक का लिए थे, ठीक है। तो उसमें से जो जो लाइव मॉक दिए थे तीनों का, दोनों का, ओलिव का और सुपर मॉक पे हमेशा लाइव मॉक आता था उस टाइम पे, संडे और सैटरडे को, एक भी नहीं मिस करते थे हम, मेंस के टाइम भी, ठीक है, प्री वाला मिस करते थे, मेंस के टाइम वाला मिस नहीं करते थे, ठीक है। ये सब लोग ब्रांड चीज है ये सब, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सी देयर, ये मेंसुरेशन का मेरा दूसरा कॉपी है, ये मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन का देखो ये पहला कॉपी है। विनोद इनको सब कुछ दिखाइएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मेंसुरेशन ज्योमेट्री पवन राव सर से पढ़े हैं, देखो इधर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज देखो मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डेमो ऑफ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री कल ही पवन राव सर से बात हुआ था, बहुत यार बहुत मतलब इन लोगों का जितना भी हम योगदान देना यार कम है हमसे, सुनो देखो, ये देखो बेसिक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, बोले है ना कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के लिए पवन राव सर, ठीक है, बेसिक ऑफ ट्रायंगल डेली थ्री पार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम 25 सितंबर, टारगेट सीजीएल 2019 लिखे हुए थे, ठीक है, क्वेश्चन कम बहुत कम प्रैक्टिस हो पाया था मेरा, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में स्किप किए थे। और ये मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में सब खत्म हो गया तो दूसरा पार्ट एकदम खाली है, कुछ शुरू का कुछ पेज भरा हुआ है, ठीक है, ये कॉपी, ठीक है, अभिनय शर्मा सर क्या बोले थे, टाइम एंड डिस्टेंस का राधा कॉन्सेप्ट, खैर ये एडवांस का है, एडवांस में क्या क्या कहां से पढ़े, पवन राव सर से ज्योमेट्री मेंसुरेशन, और देखो ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई भी ऐसे आंख बंद करके कोई भी एगो पाठ मान लो कि हमने ये कुछ भी देखो मान लो ना कोई भी एगो ऐसे निकाल दिए, देखो भाई ये पता कर लेना किसका नोट्स है, ठीक है भाई, समझ रहे हो, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभिनय सर बनवाए थे उस पे, देखो ये किसका है, स्क्रीनशॉट ले लेना और बता देना कि क्या लिखा हुआ है, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल फिक्स होता है, अभिनय सर का कहना था जितना इक्वेशन रहेगा उतना वेरिएबल्स फिक्स होते हैं, ठीक है, और बाकी एक्स्ट्रा वेरिएबल रहेगा तो एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अभिनय सर से हमने क्या पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, अरे अलजेब्रा इतना बढ़िया से ये लोग पढ़ाए ट्रिग्नोमेट्री, आज तक ट्रिग्नोमेट्री मेरा काहे नहीं गलत होता है, तीन चार पांच मानते हैं क्वेश्चन खत्म, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री रख देते हैं क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है यार, जादूगर है अभिनय सर अलजेब्रा के, जैसे राकेश यादव सर अर्थमेटिक के जादूगर है ना, अभिनय सर अलजेब्रा एडवांस मैथ के जादूगर है, ठीक है, माने अरिथमेटिक के भी हैं, मतलब हम अरिथमेटिक उनसे केवल थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं जहां जहां दिक्कत होता था। सी देयर बोले थे ना, अभी देखो हमको ये गगन सर का प्रॉफिट और हाँ डिसऑनेस्ट डीलर, देखो गगन सर को सुपर सेट दिए थे ना, देखो उनका नोट्स कितना प्यार से बनाए हुए हैं, ठीक है, वीडियो भी रिकमेंड करे हुए थे यार, सब कुछ मिल जाएगा इस कमरे में, सब कुछ मिलेगा मेरे भाई, सब कुछ मिलेगा, मजाक नहीं चल रहा है, 60,000 सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं आ चुके हैं, चैनल पे लाखों का कंटेंट डाले हैं, और जितना हम भटके हैं उतना किसी को भी नहीं भटकने देंगे, लिखित देते हैं, हमको इंस्पेक्टर बनने पर उतना खुशी नहीं है ना जितना आप लोग बनोगे, समझ रहे हो, हम बहुत पहले ही बन गए होते अगर कोई प्रॉपर वे में एक होता है ना कि गाइड करने वाला, कोई निगेटिव लोग खाली निगेटिव लोग के चक्कर में एक होता है ना कि आदमी परेशान रहता है, बहुत ज्यादा टफ चीज है, बहुत ज्यादा बड़ा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग को ज्ञान ठीक था यार, कि अच्छा ज्ञान था कि पेड कोर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था भाई, ठीक है। एलसीएम एससीएफ मैंने अभिनय शर्मा सर से पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, अभिनय सर शर्मा सर पता है क्या उनका एगो कितना अच्छा बात लगता है, जैसे मान लो कि 16 48 96 है, तो ये बोलते हैं कि 96 को लिख लो, 96 को तोड़ दो 16 × 6, देखो कि इसमें 48 आ रहा है कि नहीं, 48 मतलब 48 आ जाएगा जी, 16 × 6 यानी कि 16 × 3 × 2 16 × 3 = 48 आ गया, यानी कि 16 48 96 का एलसीएम 96 होगा, ठीक है। तो अब यार हम अभी सब कुछ बता दे रहे हैं यार, और कोई नोट से भाई, हम लोग यूट्यूब वाले लोग हैं, वो लोग कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पेड कोर्सेज से पढ़ा हुआ है, वो लोग क्या जानेंगे डुमराव टीवी और अमृत राज के बारे में। चलो
साहिल सर का नाम आप लोग लेते हो ना, साहिल सर से कैलेंडर, नहीं नहीं कैलेंडर नहीं, साहिल सर से अरे डाइस पढ़े हैं, डाइस वीडियो में बता दिए हैं, रीजनिंग वाला वीडियो जाके देख लेना, डाइस पढ़े हैं और क्लॉक पढ़े हैं। रीजनिंग बोलते हैं कि आसान है, कोई भी एगो जाकर के यूट्यूब पे सोर्स उठाओ, देख लो यार कहानी खत्म करो। आभास सैनी सर का एगो 2 घंटा का वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का, बड़ा दिक्कत होता था कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है, वो चीज हम आभास सैनी सर से पढ़े हुए हैं, उनका पूरा 2x में वीडियो देखे हुए हैं। ये लोग को कभी भूलेंगे कभी जिंदगी में यार, सबसे मिलेंगे सबसे, अभी तो अभी देखना ना, अभी दिल्ली जाएंगे सबसे मिलके वो सेल्फी लेंगे हम, समझ रहे हो। और सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है, हजारों लड़कों का सिलेक्शन दिलवाएंगे, नहीं बोलेंगे, माने उनको इतना हिम्मत देंगे ना कि देख लेना एक बार यार, हमको किसी से बदले में कुछ भी नहीं चाहिए यार, बस आप लोग का जॉब हो जाए हमको बहुत ही मतलब खुशी होगी यार। जो भी है रियलिटी यही है, अपन लोग रियलिटी पे चलते हैं, ठीक है, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, जो है भैया रियलिटी तुम्हारे सामने है, जाने दो यार, इमोशन है यार, ये इमोशन है मेरे, ये लोग मेरे इमोशन है, इनसे गले मिलना चाहते हैं हम। चलो यार विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, चलो।